फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे हेल्दी स्नैक। आप बच्चों को, बड़ों को और किसी भी वक्त इसको लिया जा सकता है, चाहे वो नाश्ते का वक्त हो, चाहे वो शाम का चाय का वक्त हो, या अचानक से मेहमान आ जाए, तब भी आप इसको आसानी से घर में ही बना सकते हैं। आपको बाजार दौड़ के जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फटाफट ये घर में तैयार हो जाएंगे। और बहुत कम ऑयल में मैंने इसको बनाया है। वैसे आप इसको डीप फ्राई भी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं मैंने इसको टोमेटो सॉस के साथ सर्व किया है। आप चाहें तो उसको ग्रीन चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ इसको मैंने कैसे बनाया है, और आप नोट डाउन कर लीजिए इसके इंग्रेडिएंट्स। तो आप सारे इंग्रेडिएंट्स देख लीजिए। मैंने ये दो आलू लिए हैं मीडियम साइज के, जिनको उबाल के मैंने मैश कर लिया है। एक नॉर्मल तरीके से जो आप उबालते हैं उस तरह से उसको उबाल लीजिएगा। पनीर भी मैंने इक्वल क्वांटिटी में लिया, दोनों चीज़ें इक्वल क्वांटिटी में चाहिए। ये 100 ग्राम पनीर है जिसको मैंने हाथ से मैश कर लिया है। हरा धनिया है थोड़ा सा, ये राइस फ्लावर है। अगर आपके पास राइस फ्लावर ना हो तो आप कॉर्नफ्लावर ले लीजिएगा, या आप मैदा ले सकते हैं, लेकिन कॉर्नफ्लावर ज़्यादा बेटर रहेगा, आप कॉर्नफ्लावर ले लीजिएगा। कुछ मसाले हैं, 1/2 टीस्पून काली मिर्च, 1/2 टीस्पून भुना हुआ जीरा, 1/4 टीस्पून लाल मिर्च है, 2 चुटकी मैंने हल्दी लिया है, और नमक अपने जायके के हिसाब से, वैसे ये 3/4 टीस्पून है। तो सारे इंग्रेडिएंट्स को हम एक मिक्स कर लेंगे। मैंने ये बोल ले लिया है, मैं सारे इंग्रेडिएंट्स मिला देती हूँ। हरा धनिया डाल देते हैं, तो सारे मसाले मैं एक साथ डाल देती हूँ। राइस फ्लावर भी डाल देते हैं, ये 1 टेबलस्पून के आसपास मैंने लिया था, ये 1 टेबलस्पून मैंने लिया है अभी। अगर जरूरत पड़ेगी, हमें लगेगा थोड़ा और जरूरत है तो हम बाद में डाल लेंगे। तो फिलहाल इसको पहले हम एक डो की तरह तैयार करेंगे। इसको जैसे आटे का हम बनाते हैं डो, उसी तरह से इसका हम तैयार कर लेंगे। सारे मसाले अच्छे से मिला के पहले, उसके बाद इसको हम तैयार कर लेते हैं। मैंने ये ट्रे ले लिया, आप कोई भी घर में जो ट्रे होती है कोई भी ले लिए, कोई भी बर्तन ले लिए जिसमें इतना चौड़ा ये साइड से हो। उस पर मैंने पार्चमेंट पेपर बिछा दिया है, या आप कोई भी आप मोटा पेपर या बटर पेपर आप बिछा दीजिएगा। आपके पास पार्चमेंट पेपर नहीं है, वैसे पार्चमेंट पेपर ज़्यादा अच्छा रहता है, ये बहुत मोटा रहता है, ये फटता भी नहीं है, और ये रीयूज़ भी हो जाता है। लेकिन इसको हम रीयूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने इसको ऑयल लगा दिया है थोड़ा सा, बेकिंग में बहुत काम आता है। तो ये मैंने डो की तरह तैयार कर लिया है, और इसको मैं हल्के हल्के हाथ से इसको इसको स्प्रेड करूंगी। एक तरफ से इसको हम पकड़ लेते हैं और इसको दबाते जाएंगे। ओके, इसकी लेवल में आ जाए बस। मैंने हाल फिलहाल एक रेसिपी डाली हुई है ग्रनोला बार्स की, बहुत हेल्दी रेसिपी है। जिन जो वेट लूज करना चाहते हैं, वेट मैनेज करना चाहते हैं, या बॉडी बिल्डर हैं या जिम जाते हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छी रेसिपी है, आप उसको ज़रूर देखिएगा। वो भी बहुत आसानी से घर में ही बन जाता है। अगर हम ग्रनोला बार बाजार से खरीदने जाएंगे तो बहुत एक्सपेंसिव पड़ता है। तो इस तरह से ये तैयार हो गया है। अब इसको 15 से 20 मिनट के लिए मैं इसको फ्रिज में रख देती हूँ, फिर इसके हम ब्लॉक्स काट लेंगे। ये बहुत ही आसान रेसिपी है, जब आपके घर में अचानक मेहमान आए तो आप इस तरह से घर में बना सकते हैं। पनीर भी आप घर में बना सकते हैं, उसका भी मैंने वीडियो डाला हुआ है, जब फटाफट जल्दी से पनीर बन जाता है घर में ही, आपको बाजार से भागने की जरूरत नहीं है, आलू घर में रहते ही हैं। तो बहुत क्विक स्नैक है और बहुत अच्छा स्नैक है, और थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा। अगर आपके घर में मेहमान आ रहे हैं तो आप इस तरह से तैयार कर सकते हैं। तो अब इसको मैं फ्रिज में रख देती हूँ, फिर मैं आपको थोड़ी देर में दिखाती हूँ। 20 मिनट फ्रिज में रखने के बाद मैंने इसको निकाल लिया है, अभी आप स्क्वायर शेप में काट लीजिए। कितने अच्छे से परफेक्टली निकल कर आ गए हैं। आप मोटाई अपने हिसाब से कम ज़्यादा भी रख सकते हैं, लेकिन इतना बिल्कुल परफेक्ट है। कितना परफेक्टली निकल कर आ गया। इसके अब साइड्स को आप इस तरह से हाथ से थोड़ा सा दबा दें, ताकि ये अच्छा से शेप में आ जाए। हल्का सा आप इसको गोल भी कर सकते हैं। कितना बढ़िया लग रहा है। अब सारे मैं इसी तरह से निकाल लेती हूँ, मैं दिखाती हूँ कि आगे क्या करना है। सारे 6 के 6 बिल्कुल अच्छे से परफेक्ट शेप में निकल कर आ गए हैं, और बहुत ही आसानी से निकल गए हैं। अब आप इसको क्या कर सकते हैं, आप इसको स्टोर भी कर सकते हैं। तो आप इसको 4 से 5 दिन के लिए स्टोर करके रख सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि ये डेयरी प्रोडक्ट है, ख़राब हो सकता है। तो आप इसको किस तरह से स्टोर करेंगे, पहले एक नीचे आप एक डाल दीजिए, आपका जैसे भी डिब्बा है उस हिसाब से आप कर लीजिए। जैसे मेरा ये छोटा डिब्बा है, ये इस तरह से आप इसको कर दीजिए, और ऊपर से आप इसको इस तरह से एल्यूमिनियम इसको काट लीजिए,
और थोड़ा सा इस पर डाल दीजिए, और फिर दूसरी लेयर भी आप इस तरह से करके रख दीजिए, इस तरह से कर दीजिए, इस तरह से कर दिए, तो आप इस तरह से स्टोर करके रख सकते हैं। लेकिन अभी फिलहाल मैं इसको स्टोर करके नहीं रख रही क्योंकि मैंने कम ही बनाया है, मैंने कुछ वीडियो में दिखाना था। लेकिन आप इस तरह से 4-5 दिन तक इसको स्टोर करके रख सकते हैं, बहुत अच्छे से रह जाएगा। तो अब मैं इसको आपको दिखाती हूँ कि क्या करना है। मैंने एक पैन रख दिया है, उसमें थोड़ा सा तेल डाला है। अब इस ऑयल को हम पूरे में स्प्रेड कर देंगे। पैन गर्म हो गया है, अब इसमें हम एक एक करके सब डाल देंगे। बहुत कम तेल में इसको हम बना रहे हैं। स्लो फ्लेम है बिल्कुल। पहले मैंने पैन को तेज आंच पे गरम कर लिया था, अब मैंने फ्लेम को बिल्कुल लो कर दिया है। तो इसको हम सिकने देते हैं। इसमें थोड़ा सा चाट मसाला भी मिला सकते हैं, हरी मिर्च भी मिला सकते हैं, जैसे आपकी मर्जी हो आप उस तरह से कर सकते हैं। तो ये दो चीजें भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। मेरे बहुत सारे स्नैक्स के वीडियो हैं, आप वो देख सकते हैं। पूरा एक प्लेलिस्ट भी है जिसमें मैंने स्नैक्स आइडियाज़ करके डाला हुआ है, एक हेल्दी स्नैक्स के डाला हुआ है जो ऑयल फ्री हैं, आप वो भी पूरा प्लेलिस्ट देख सकते हैं। अब इनको देख लेते हैं, देखिए कितने अच्छे से तैयार हो गए हैं। सबको इसी तरह से पलट देते हैं। अंदर से बहुत सॉफ्ट और बाहर से बहुत क्रिस्पी। बिल्कुल लो फ्लेम पे सेकेंगे तब जाके इतना अच्छा सा कलर आएगा और बहुत क्रिस्पी तैयार होंगे। आप चाहें तो इसको डीप फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे इसको डीप फ्राई नहीं करना था क्योंकि बहुत ऑयल इस तरह से चला जाता है, तो बच्चे भी नहीं खाना पसंद करते हैं, तो इसलिए उसको मैं शैलो फ्राई कर रही हूँ। आप इसको डीप फ्राई कर सकते हैं थोड़ा ज़्यादा तेल में, इसी तरह के पैन में थोड़ा ज़्यादा ऑयल लेके आप कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको बिल्कुल हल्के ही आँच पे और कम तेल में कर रही हूँ। आप देखिए वो तेल भी सारा किनारे पे है। ज़्यादा इस तरह से आप अगर पैन लेंगे नॉनस्टिक तो आपको उतना तेल भी इस्तेमाल नहीं होता। देखिए कितना तेल अभी भी बचा हुआ है। दोनों साइड से बहुत अच्छे से हो गए हैं। अब इनको निकाल लेते हैं, मैं डिश आउट करके आप उसको सर्व करके दिखाती हूँ। ज़बरदस्त से स्नैक तैयार हो गए हैं जो बहुत कम तेल में बने हैं और बहुत ही हेल्दी हैं ये। इसमें पनीर है, आलू है, आप इसमें थोड़े बहुत वेजिटेबल्स भी डाल सकते हैं जैसे मटर है, गाजर है, बहुत बारीक काट के उसको आप उबाल के साथ में इसको मिला सकते हैं। तो बहुत ही हेल्दी आपका नाश्ता तैयार हो जाएगा, बच्चों के लिए, मेहमानों के लिए, घर के बड़ों के लिए, किसी भी टाइम आप इसको ले सकते हैं, चाहे नाश्ते का वक्त हो, चाहे वो शाम का वक्त हो चाय के लिए, तब आप उसके साथ में तैयार कर सकते हैं। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो नीचे एक लाइक बटन ज़रूर दबाइएगा, हमारा बड़ा हौसला बढ़ता है और अच्छा लगता है कि लोग हमारी रेसिपीज़ को ट्राई कर रहे हैं। और अगर आपको कुछ पूछना हो कमेंट बॉक्स में आप लिख के ज़रूर पूछ सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बिल्कुल फ्री है। अगली बार मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, देखते रहिए शैलाज दस्तरखान।